बल्लारपूर येथील रुग्णांसाठी सोयीचे व्हावे म्हणून बल्लारपूर शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने दोन खासगी वाहनांना रुग्णवाहिकेत परावर्तित करून जनतेच्या सेवेत रुजू केल्या। पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत शनिवारी हा कार्यक्रम पार पडला। चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे। बल्लारपूर तालुक्यातही कोरोना रुग्ण मोठ्या संख्येने आहेत। या रुग्णांना सीटी स्कॅन, रुग्णालयात जाण्यासाठी रुग्णवाहिकेची मोठी आवश्यकता असते, मात्र बल्लारपूर तालुक्यात रुग्णवाहिकांची संख्या कमी असल्याने रुग्णांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे। त्यामुळे बल्लारपूर शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने रुग्णांच्या सेवेत रुग्णवाहिका देण्याचा निर्णय घेतला। त्यानुसार शहर अध्यक्ष करीम शेख यांनी दोन खासगी वाहने रुग्णवाहिकेत परावर्तित केल्या। आज पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या हस्ते या रुग्णवाहिका रुग्णांच्या सेवेत रुजू करण्यात आल्या। यावेळी काँग्रेसचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। आज महाराष्ट्र और देश जिस महामारी से गुजर रहा है, जैसे भी बन पड़े लोगों की सेवा करना, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परसों के दिन जारी किया है बयान कि जैसे भी हो सके कांग्रेसियों ने आज लोगों की सेवा करना चाहिए, चाहे माध्यम जो भी हो। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय पालक मंत्री श्री विजय वडेट्टीवार जी, हमारे लोकप्रिय खासदार बाड़ू धानोरकर जी, हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष माननीय श्री प्रकाश जी देवतड़े, इनके मार्गदर्शन में बल्लारपुर शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे जो सीनियर्स हैं, डॉक्टर हजारे मैडम, घनश्याम भैया मूलचंदानी जी और जितने भी हमारे कार्यकारिणी जो है बल्लारपुर शहर कांग्रेस कमेटी की, उन्होंने ये निर्णय लिया कि लोगों की, मरीजों की बहुत गैरसोई हो रही है, तरीके से उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमने दो प्राइवेट गाड़ियों को एम्बुलेंस में परिवर्तित करके आज आदरणीय पालक मंत्री जी के हाथ से इनका इसका रिबन काटकर यहाँ उद्घाटन किया है और लोगों की सेवा में कल सुबह से इसे हम लोग जारी कर देंगे।